हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार से दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब ट्रेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में और जानेंगे कि इसका नोटिफिकेशन कहाँ निकाला है। और साथ ही साथ, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो चैनल है उसका नाम है दीपा बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स ट्रेलर में। तो जैसे आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर मेरे चैनल का इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप जो है लाइक जॉब से रिलेटेड अगर आप कोई कंटेंट देखना चाहते हैं, जैसे चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो लेक्चरर हो, चाहे अगर आप पीएचडी की पोजीशंस के बारे में जानना चाहते हैं या नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप पोस्ट डॉक्टोरल फेलो के लिए भी अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, तो इस टाइप के कंटेंट जो है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप CSIR JRF या DBT JRF या SMR JRF, इसके अलावा अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप MSc इंट्रेंस या BSc इंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आप नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तब भी आप मेरे चैनल को जो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बायोलॉजी से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो भी यहाँ पे मैं रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप मेरी किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया है ये CDRI से आया है, जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है। आप सबको पता है CDRI इट इज़ वन ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आया है, साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 19 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो चुकी है, जो लास्ट डेट वो 27 अगस्त यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। और जो लास्ट डेट है हार्ड कॉपी रिसीव करने की वो 20 सितंबर है। तो आप ने अगर इस फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो आप इस फॉर्म को जो है वो फिलअप कर सकते हैं, अगर आप साइंटिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिजिग्नेशन मेंशन कर रखा है साइंटिस्ट पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, पे लेवल जो आपको 11 मिलेगा, और जो बेसिक पे वो है आपका 67,700, और टोटल एमोलूमेंट्स यहाँ पे आपको दिया जाएगा वो 98,465 रुपीज़ जो है वो पर मंथ आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे जो एज लिमिट वो 32 ईयर्स है। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर देख सकते हैं कि आपको अगर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मोस्टली 3 ईयर्स का जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या वुमेन, तो आपको यहाँ पे जो है 5 ईयर्स का जो है वो आपको ये एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरा डिजिग्नेशन वो सीनियर साइंटिस्ट का है, ये अनरिजर्व लेटर एंट्री। तो यहाँ पे जो है आपको 7 पोस्ट देखने को मिलेगी, यहाँ पे लेवल 12 है, और यहाँ पे जो आपको बेसिक है 78,800, और जो आपको सैलरी दिया जाएगी वो 1,13,228, और यहाँ पे अपर एज लिमिट 37 ईयर्स। इसके अलावा प्रिंसिपल साइंटिस्ट के लिए भी यहाँ पे पोस्ट मेंशन कर रखी है, तो 2 पोस्ट हैं, 13 पे लेवल यहाँ पे आपको दिया जाएगा, सैलरी 1, यहाँ पे बेसिक आपका 1,23,100, और यहाँ पे जो आपका एमोलूमेंट्स बनेगा वो बनेगा 1,72,147 पर मंथ, और आपका यहाँ पे 45 ईयर्स जो है वो आपका रहेगा अपर एज लिमिट, ठीक है। तो स्क्रॉल डाउन करने पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एरिया मेंशन कर रखा है कि आपका कौन सा एरिया में जो है आपका एक साइंटिस्ट की पोस्ट को निकाला गया है। तो यहाँ पोस्ट कोड एरिया मेडिसिनल प्रोसेस केमिस्ट्री, पोजिशन है सीनियर टाइम साइंटिस्ट पोस्ट 1, अपर एज लिमिट 37, पे मैट्रिक्स लेवल 12, और यहाँ पे देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका PhD होना मस्ट है, ठीक है। PhD इन द एरिया ऑफ केमिस्ट्री या केमिकल साइंस, जो आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिसिनल केमिस्ट्री में। डिजायरेबल क्या है, स्टेट ऑफ द आर्ट नॉलेज मॉडर्न सिंथेसिस मेडिसिनल केमिस्ट्री, एक्सपीरियंस इन डिजाइनिंग केमिकल कंपाउंड्स फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड डाटा एनालिसिस। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपके डिजायरेबल है। और यहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, आपको डिजाइन है सिंथेसिस ऑफ नॉवल केमिकल कंपाउंड फॉर टारगेट बेस्ड ड्रग डिस्कवरी। तो ये आपका यहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन मेंशन कर रखा है। ऐसे नेक्स्ट है नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री का, तो यहाँ पे सीनियर साइंटिस्ट का पोस्ट है, अनरिजर्व है यहाँ पे वैकेंसी, एज लिमिटेड 37 और पे मैट्रिक्स 12। यहाँ पे PhD आपका होना कंपलसरी नेचुरल साइंसेस में, 2 ईयर्स का आपका रिसर्च एक्सपीरियंस, और यहाँ पे डॉक्टर ऑफ वर्क जो है आपका होना चाहिए इन द एरिया ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स केमिस्ट्री ऑब्लिक फाइटो केमिस्ट्री या मेराइन फाइटो केमिस्ट्री में। तो ये सब अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जॉब स्पेशलाइजेशन वो काम क्या करना पड़ेगा, टू कंडक्ट R&D इन मेडिसिनल केमिस्ट्री नेचुरल फोटो केमिस्ट्री
प्रोडक्ट केमिस्ट्री एम टूवर्ड्स न्यू ड्रग डिस्कवरी। तो यहाँ पर एक सीडेराई का इंस्टीट्यूट है, तो आपको न्यू न्यू जो है वहाँ पे ड्रग को है वो डिस्कवर करने पड़ेंगे ड्रग्स को, और उनके टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मोस्टली सीडीआरआई में होती है कि आपको नए नए ड्रग जो है उनको डिजाइन करना होता है, उन्हें सिंथेसाइज करना होता है, और उनका जो टारगेट बेस्ड ड्रग डिस्कवरी मोस्टली होती है कि वो किस पार्टिकुलर जो साइट पर जाके जो वो एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब मोस्टली सीडीआरआई में ही होता है। नेक्स्ट हमारा है न्यूरो साइंस डिसिप्लिन में, तो यहाँ पे साइंटिस्ट की पोस्ट है 1, अपर एज लिमिट 32। यहाँ पे आपका पीएचडी सबमिट अगर आप का है न्यूरो साइंसेज में तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या अगर एमडी में आप फार्माकोलॉजी या न्यूरो फार्माकोलॉजी में तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये आपका जो यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिक एक्सपीरियंस दे रखा है, और आपका यहाँ पे जो भी जॉब स्पेशलाइजेशन है वही मेंशन कर रखा है। तो ऐसे करके आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपका एलिजिबिलिटी मैच कर रहा है तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे स्क्रॉल डाउन करने पर आपको मल्टीपल डिसिप्लिन देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ जो है आपका यहाँ पे जो है आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और जो आपका जॉब स्पेशलाइजेशन है वो भी यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 11 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, ठीक है। तो टोटल 11 पोस्ट हैं मल्टीपल डिसिप्लिन में। तो यहाँ पे देखिए बेनिफिट्स क्या मिलेंगे आपको, यहाँ पे आपको डीए दिया जाएगा, डीए एचआरए टीए, तो ये सब आपको यहाँ पे दिया जाएगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दिया जाता है, सेम चीज आपको भी यहाँ पे दिया जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको न्यू पेंशन स्कीम 2004 भी दिया जाएगा, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस, लीव ट्रेवल कंसेशन, यानी कि ये सारी पोस्ट जो है ये आपकी परमानेंट पोस्ट रहेंगी। क्या रहेंगी? परमानेंट पोस्ट रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे न्यू पेंशन स्कीम 2004 के अकॉर्डिंग, तो ये सब आपके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट यहाँ पे मेंशन कर रखे ए बी सी डी, तो सारे सेंट्रल लाइक यूनिवर्सिटी में या सेंट्रल की तरफ से जो भी बेनिफिट मिलते हैं वो सब आपको मिलेंगे। और यहाँ पे अदर कंडीशन जो नॉर्मली जो भी होता है वो सब आपका यहाँ पे ऑलरेडी होगा, मे बी कि आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, आपको जितना एलिजिबिलिटी वो कम्प्लीट आपकी हुई होनी चाहिए। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसे आपको सेंड भी करना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हार्ड कॉपी आपको सेंड करना है, आपका एनली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको सेंड करना है, इसके साथ आपके जितने भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ये सब आपको सेंड करना है सेपरेट एनवेलप विद पोस्ट कोड। तो यहाँ पे आप अपने एनवेलप पे जो पोस्ट कोड जरूर मेंशन करें, ठीक है। ये एनवेलप आपका है तो यहाँ पे आपको अपना पोस्ट कोड जो है वो मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पोस्ट कोड जरूर मेंशन करें कि आप कौन सी पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो मैंने आपका डिस्कस कर लिए हैं। रिलैक्सेशन देखिए मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि आप अगर एस सी या एस टी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 5 ईयर्स का जो है वो रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वहीं अगर आप ओ बी सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 ईयर्स का जो है लाइक रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर एज बी ओ जी ओ यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आपको अप्लाई करना कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए लिंक दे रखा है, तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जो है एप्लीकेशन फॉर्म पे पहुँच जाएंगे, तो वहाँ पे ऑनलाइन सब जो है आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे जितने भी आपके रिलेवेंट इनक्लोजर्स हैं, तो देखिए यहाँ पे रिलेवेंट इनक्लोजर्स जितने भी हैं वो सब आपको बिफोर 20 सितंबर 2021 आपको जो है चले जाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस बता रखा है कि रजिस्ट्रेशन करना है आपको, फीस सबमिशन करना है, एप्लीकेशन सबमिशन करना है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डिस्पैच और फिजिकल कॉपी, ठीक है। आपको यानी कि इसका आपका एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद योर सपोर्टिंग टेस्टिमोनियल्स आपको यहाँ पे सेंड कर देना है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे जो है ये सीडीआरआई में हार्ड कॉपी भी सेंड करनी मैंडेटरी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट डेट 19 जुलाई है, लास्ट डेट 27 अगस्त है, और लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ द फिजिकल कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन है सीडीआरआई 20 सितंबर 2021 till 5:30 PM तक, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो मैंने आपका डिस्कस किया, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी, तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा, 100 रुपीज़ जो है वो आपका एप्लीकेशन फ़ी है, तो एप्लीकेशन फ़ी आपकी है 100 रुपीज़, क्लियर। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी आपकी है। इसके अलावा देखिए अगर आप एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी वुमेन या अदर जेंडर या सेसा एम्प्लाई हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं पे करनी है, तो नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर दिस पीपल, ठीक है। तो ये इन सब के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म डुली अकम्पली बाई सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट, तो आपको अपने सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, एज प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, और आपका फर्स्ट पेज जो भी पब्लिकेशन का वो, और कास्ट सर्टिफिकेट आपको अगर आप कोई कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो सब लेके जो है, और आपका पासपोर्ट साइज सेल्फ एंड फोटोग्राफ
आपके लाइक एप्लीकेशन फॉर्म में होना जरूरी है, और आपके एनवलप पे मेंशन होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जॉब और साथ ही साथ पोस्ट कोड। तो ये सब जो है आपको मेंशन करना है और आपको सेंड कर देना है। द डायरेक्टर सीसाइड CDRI Sector 10 जानकीपुरम एक्सटेंशन सीतापुर रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने जितने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म आपको सेंड कर देना है। ठीक है, और आपको एप्लीकेशन फ़ी की जाएगा, आपको एप्लीकेशन फ़ी जो आप पेमेंट करें उसका आपको रिसिप्ट भी अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उन्होंने एंड में एक चेकलिस्ट दे रखी है, तो आपको क्या क्या चाहिए। कलर्ड फोटोग्राफ पेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ साइंड फॉर्म, यानी फॉर्म में आपका कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, उस पर आपको साइन होनी चाहिए फुल में। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आपकी होनी चाहिए, 10th 12th सर्टिफिकेट इंक्लूड इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एज पर मार्कशीट। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ कास्ट EWS PW सर्टिफिकेट एप्लीकेबल। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। रिकमेंडेशन ऑफ द रेफरीज, यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन देना पड़ेगा रेफरीज का, मिनिमम 2 या 3 आप दे सकते हैं, 2 और 3 रेफरीज का जो है आप यहाँ पे रिकमेंडेशन जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एप्लीकेशन आपको यहाँ पे सेंड करना है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।